60 साल पुराने ढेला नदी के पुल का मरम्मत का निर्माण कार्य हुआ शुरू। 15 नवंबर तक पुल रहेगा बंद, की जाएगी मरम्मत। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के यूपी से उत्तराखंड को जोड़ने वाले ढेला नदी के 60 साल पुराने बने पुल का निर्माण कार्य आज से शुरू हुआ है। पुल की मरम्मत के चलते पुल को 15 नवंबर तक किया गया बंद। ढेला नदी पुल से बड़े बाहरी गुजरने वाले वाहनों पर लगाई गई है रोक। प्रशासन द्वारा रोक लगाने पर हल्के वाहन जैसे कार व मोटरसाइकिल निकलने के लिए पुल के बराबर से बनाई गई बाईपास पुल की व्यवस्था, जिसमें वहां से या छोटे वाहन इस पुल से होकर गुजर रहे हैं। आपको बताते चलें, यूपी से उत्तराखंड को जोड़ने वाले इस पुल की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसमें यह पुल बेबसी के आंसू रो रहा था। जिसमें इस ढेला नदी के पुल के हालात जर्जर हो जाने के चलते अनेक लोगों संगठनों द्वारा पुल की मरम्मत करने की मांग उठाई गई थी। पुल की रेलिंग टूटकर नदी में गिरने लगी थी और वाहनों के गुजरने पर पुल जोर से हिलने लगता और कंपन होने लगती थी, जिसको देखते हुए अब पुल की मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है, ताकि इस पुल से कोई भी क्षेत्रवासी को परेशानी या हानि न पहुँच सके। मुरादाबाद से अशरफ अली की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? शकील जी। शकील जी, काम जो चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? पुल का काम चल रहा है, सभी लोगों को परेशानी है, हमें भी आपको भी सब परेशानी है, जाम लग गया है इतना। काम हो जाए तो सही है इसका। ये कब लोग काम चलेगा, जानकारी है कुछ? अरे आज सब दिन लग जाएगा, आठ तो कैसा महसूस कर रहे हो काम चल रहा? तो काम तो जल्दी हो जाए तो सही है। जी, क्या नाम आपका? मैं जी, ये पुल का जो कार्य चल रहा है निर्माण, तो क्या कहना चाहोगे? सर, पुल से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इससे जाम लगता था, चलते हुए डर लगता था इसके ऊपर। अब ये अच्छे से बन जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लोगों को राहत मिल जाएगी। इसकी वजह से परेशानी तो पड़ रही है, पर इसकी वजह से बहुत सुकून भी मिलेगा, बन जाएगा तो अच्छे से बन जाएगा तो खैर बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बस ये काम चल रहा है इस पर, और ये सड़क बनाई है यहाँ पे लोगों ने, तो इससे निकलना पड़ना कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में अच्छा बन जाएगा तो सबको ही सुकून मिलेगा। कि थोड़ी सी परेशानी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी झेलेंगे तो आदमी को अच्छा भी महसूस पाएंगे। धन्यवाद जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र है। किस पद पर कार्य कर रहे हो? मैं अवर अभियंता पीडब्ल्यूडी मुरादाबाद। सर, ये जो पुल का कार्य चल रहा है सर, कब तक चलेगा? हमारा टारगेट है कि हम इसको किसी भी हाल में दीपावली से पहले पहले स्कूल को दोबारा चालू कर देंगे। बाकी गन्ना सीजन आ रहा है, इससे पहले पहले स्कूल को चालू कर देंगे तो पब्लिक की कोई दिक्कत खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि हमारा मिल चालू होने से पहले पहले हम इसको रास्ते को ओके कर लें। छोटे वाहन निकलने का व्यवस्था? छोटे वाहन निकलने के लिए हमने बाईपास बना दिया है, लगभग 600 मीटर लंबा बाईपास है, जिसको दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन निकलेंगे। बड़े समस्त जितने वाहन हैं उसके लिए प्रतिबंधित करा दिया गया है, ऊपर से आदेश दिलवा करके SSP साहब के यहाँ से आदेश करवा दिया है। और वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार जो मुरादाबाद से रामपुर जाने वाले वाहन हैं वो भोजपुर रोशनपुर होते हुए काशीपुर ठाकुरद्वार जाएंगे, और जो हरिद्वार सिवारा से आने वाले वाहन हैं वो समस्त वाहन अपने डेंटल पुलिस के बराबर से होते हुए ठाकुरद्वार जाएंगे। कब तक कार्य जारी रहेगा सर? दीपावली से पहले पहले हमको कार्य समाप्त करने की हमने एक डेट लगा दी अपनी, और उसी के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं हम। संभवतः ये अब हम अपनी स्पीड आज हम ऊपर से पूरा रास्ता बंद कर देंगे, और ऊपर से जो सरफेस है उसको उठा कर ठीक करेंगे, और हमारी लगी हुई फिलहाल बाकी की हमारी लग जाएगी।